सो हेलो गाइस, तो जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई उसमें केवल डिटेल शेयर करी थी, तो पूरे गेम प्ले के साथ में हम हाजिर है। तो देयर इट इज द टाउन हॉल 14 फर्स्ट लुक। अपन पूरा एक एक चीज के ऊपर बात करने वाले, टाउन हॉल 14 में क्या अपग्रेड होने वाला है, कितने डिफेंसेज आने वाले, कैसे वॉल अपग्रेड होगी, क्या कॉस्ट होने वाला है, हीरोज के लेवल क्या होने वाले, मल्टी टारगेट इन्फर्नो में जो 6 है वो कैसे वर्क करने वाली है, उसका अटैक रिप्ले लाइव। तो वीडियो पूरा लंबा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखना, वरना यार काफी कुछ आप मिस कर जाओगे ऐसा मुझे लगता है। तो पूरी वीडियो एंड तक फटाफट से देख लेना भाई, फुल बूम बम हो जाएगा यहाँ पर। तो देयर इट इज, आप देख सकते हो हिडन टेस्ला का न्यू लेवल आ चुका है आपके सामने, दिख रहा है लेवल 12 से लेवल 13 वाला हिडन टेस्ला का लुक मेरे को बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर न्यू लुक आपको दिख रहा होगा, गोल्ड स्टोरेज का न्यू लुक दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, एयर मतलब अपने इलिक्सर स्टोरेज का, एंड बॉम्ब का भी न्यू लेवल लेवल 10 के हो चुके हैं, तो ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है। वॉल भी काफी ग्रीनिश कलर की लग रही है, मेरे को तो काफी अच्छी लग रही है। वॉल आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। एंड देयर इट इज द न्यू लेवल ऑफ कैनन, लेवल 20 की कैनन होने वाली है, डैमेज पर सेकंड होने वाला है 154। तो ये भी काफी है, ये अपना जो मल्टी कैनन होता है वो है लेवल 20 का, फोर शूट्स होने वाले, वो सब कुछ यहाँ पर देख ही सकते हो आप। न्यू लेवल ऑफ हीरोज भी आपको दिख रहे होंगे, 80 80 30 55, एंड स्कैटर शॉट इज क्वाइट लुकिंग गुड। बॉम्ब टावर का न्यू लेवल यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हो स्कैटर शॉट लेवल 2 से लेवल 3 का अपग्रेड होने के बाद काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। डैमेज पर 16 डैमेज पर सेकंड ही होने वाला 190, हिट पॉइंट वगैरह आप देख ही सकते हो, एंड क्वाइट अमेजिंग होने वाला है। वॉल का कॉस्ट होने वाला है 7 मिलियन गोल्ड, 7 मिलियन इलिक्सर, एंड देयर इट इज द बॉम्ब टावर। यहाँ पर डीपीएस होने वाला 84, एंड डीडब्ल्यूडी होने वाला 500, पॉइंट होने वाला 2300। तो एंड अपग्रेड कॉस्ट आपके सामने दिख ही रहा है। एंड अब आगे बात करते हैं क्लाइंट कास्ट, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब आप मतलब 19 मिलियन में अपग्रेड कर सकते हो, स्पेल कैपेसिटी बढ़ जाएगा और 400 हिट पॉइंट्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, 20 डेज का अपग्रेड टाइम लगने वाला है। तो देयर इट इज द मैक्स आउट क्लाइन कार्सल ओवर हियर, यू कैन सी लेवल 15 का वॉल्ड। भाई देखो अंदर किस तरह से लावा टाइप का बह रहा है भाई, आई लव दैट वॉल, लिटरली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वॉल्स। एंड आगे आप देख ही सकते हो ये क्लाइंट जो भी है अपना, उसमें 3 का स्पेल स्टोरेज हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल ही गला टेली लुकिंग क्वाइट गुड। 500 DPH होने वाला है, shockwave damage 40, hit point 5600, and new laboratory भी आई है, तो वो तो बाद में दिखाएगा अभी नहीं। एंड रुको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इन्फर्नो टावर आप देख सकते हो, न्यू मैक्स लेवल का इन्फर्नो जिसमें से 6 बीम्स निकलने वाले लेवल 8 का, लेवल 7 से लेवल 8 पे इन्फर्नो अपग्रेड होगा भाई, 19 मिलियन में अपना हो जाएगा। एंड यहाँ पर DPS देख सकते हो 105, टारगेट अब होने वाले 6, hit point 3700, टाइल्स वगैरह देख सकते हैं लेवल 8 का भी यही है, एंड काफी ज्यादा अमेजिंग हो गए डिफेंसेस के लुक्स भी बोल लो, काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है टाउन हॉल 14 पे, न्यू न्यू स्ट्रेटजीज आने वाली है। एंड देखते हैं अपने गेम में और क्या क्या चीजें चेंजेस होने वाली है, लेबोरेटरी अपग्रेड कर लेते हैं, एंड देयर इट इज, यहाँ पर जैम कर लेते हैं लेबोरेटरी, इस तरह की कुछ दिखने वाली है अपनी लेवल 12 की लेबोरेटरी, एंड न्यू न्यू ट्रूप्स अपग्रेड यहाँ पर अनलॉक होने वाली है। ऑफकोर्स देयर इट इज, यू कैन सी किंग अपने बारबेलियन का न्यू लेवल है, आर्चर का न्यू लेवल है, वर्ल्ड ब्रेकर का न्यू लेवल है, हीलर का न्यू लेवल है, बेबी ड्रैगन का न्यू लेवल है, सबके अपग्रेड कॉस्ट भी आपके सामने है। यहाँ पर 15 मिलियन में ये यहाँ पर अपग्रेड हो जाएगा, एंड 15 मिलियन ये लगभग आर्चर को लगने वाले, 16 17 17 इस तरह से इलेक्शन यहाँ पर मांग रहे हैं। तो इन ग्रुप्स में बहुत ज्यादा न्यू न्यू आर्मी बनने वाले, एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। अपडेट में स्पेल्स में केवल 2 स्पेल यहाँ पर आप अपग्रेड कर पाओगे, क्लोन एंड पॉइजन। पॉइजन स्पेल अपग्रेड होने में गाइस लगने वाला 3 लाख डार्क एलिक्सर, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वेलकरी का न्यू लेवल आ गया है, मिनियन का न्यू लेवल आ चुका है, अपने आइस गोलम का न्यू लेवल आया है, 3 डार्क ट्रूप्स का न्यू लेवल आ गया है, कोई भी फिन मशीन न्यू नहीं आ रही, कोई भी फिन मशीन का लेवल नहीं आ रहा, तो ये एक अच्छी चीज है, काफी जल्दी मेरा बेस मैक्स हो जाएगा ऐसा मेरे को देख करके लग रहा है। तो अब इन सबको अपग्रेड करेंगे, इन सबका यूज वो सब आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने का ऑफकोर्स मिलने ही वाला है। अब हीरोज के ऊपर बात कर लेते, तो यहाँ पर किंग हो चुका है लेवल 80 का, हिट पॉइंट हो चुके हैं 11,250, यहाँ पर आप देख सकते हो डैमेज इंक्रीज हो चुका है, हेल्थ रिकवरी 4,700, स्पीड इंक्रीज 33, एंड यूनिट्स 36 बार बिलियन निकलने वाले 80 का, काफी अच्छा लग रहा है। किंग ये अपनी क्वीन है, एंड क्वीन के भी पूरे डीपीएस देख सकते हो, हिट पॉइंट देख सकते हो, रीजनरेशन टाइम होने वाला 42 मिनट, तो सारे हीरो का लगभग सेम ही होता है रीजनरेशन टाइम, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज है यार, आई लाइक इट। एंड देयर इट इज ओवर ग्रैंड वार्डन मैक्स आउट ऑन लेवल 55, ये अच्छा है, 10 लेवल एक साथ नहीं दिए सुपर सेल ने, तो भाई सही है यार। एचपी इंक्रीज 90%, मैक्स एचपी इंक्रीज 545, तो ये अपना ग्रैंड वार्डन है, लाइफ ओरा जो इसका एबिलिटी है, एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो इसकी एबिलिटी लेवल 11 की,
Eternal Storm, तो ये सब कुछ है अपना ग्रैंड वार्डन का लुक, एंड लुक तो क्या मतलब लेवल, न्यू लेवल आने वाले लेवल 30 की, तो आरसी हो जाएगी। आई मतलब मेरे को अभी से यूज करना है, एबिलिटी लेवल 6 पे जा चुका है, रीजनरेशन टाइम 42 मिनट्स एंड 525 अपना डीपीएस वगैरह वही सब कुछ है, डैमेज यहां पे होने वाला है 2060 इसी तरह से। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारी क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग्स आ चुकी है अपने गेम के अंदर। एंड सुपर ट्रूप्स, यस, तो यहां पर ये सुपर ट्रूप्स जो अपने अनलॉक हो चुके हैं उनका ही यहां पर फोटोज दिख रहा है। एंड आगे बात करते हैं सुपर बारबेरियन, सेम वही होने वाला है, अब इनका भी थोड़ा सा एचपी वगैरह में ऊपर नीचे हुआ होगा, लेवल 10 का सुपर ट्रूप जो होगा सुपर बारबेलियन, तो देख सकते हो 220 डैमेज पर सेकंड, 8.1200 एलिक्सर कॉस्ट, ट्रेनिंग टाइम 25, एनी टारगेट फेवरेट है, सिंगल टारगेट डैमेज है, एंड यहां पर देख सकते हो 3 डेज के लिए एक्टिव होगा। इसी तरह से आर्चर का भी देख लो, यहां पर आर्चर भी सेम, सब कुछ सेम ही होने वाला आर्चर का भी। एंड भाई न्यू सुपर ट्रूप्स लेवल 10 के सुपर बारबेलियन सुपर आर्चर, इट्स क्वाइट गुड एंड इंटरेस्टिंग मेरे को तो लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कमेंट करके बताना। And there it is, you can see over here. And अभी नीचे बात करते हैं, तो there it is, super wall breaker over here. And super wall breaker भाई level 9 का इतना जोरदार है, तो level 10 का कैसा होगा? What do you think? Tell me in the comment box. Comment करना जरूर से मत भूलना. Channel पे new, hit the like, hit the share, hit the subscribe, वरना इस तरह की informative and exciting videos आप miss करते जाओगे. तो भाई सारी वीडियोस एंड तक जरूर से देखा करो। एंड देयर इट इज द इन्फर्नो ड्रैगन जो कि न्यू लेवल आया बेबी ड्रैगन का, लेवल 8 का, यहां पर इनके भी डीपीएस, हिट पॉइंट, ट्रेनिंग कोर, ट्रेनिंग टाइम सब कुछ आप देख सकते हो, हाउसिंग स्पेस वगैरह तो सेम रहने वाला, थोड़े डैमेज वगैरह बढ़ने वाले, एंड कोई भी सुपर ट्रूप अभी देखने को नहीं मिलने वाला। एंड यहां पर सुपर मिनियन लेवल 9 का इतना ओवरपावर्ड है, तो लेवल 10 के साथ में क्या तबाही मचाएगा सुपर मिनियन। तो भाई सुपर मिनियन के साथ थोड़ा ऊपर नीचे किया गया, हिट पॉइंट वगैरह मैनेज किया गया, तो देखते हैं। लॉन्ग शॉट 5 टारगेट एबिलिटी है इनकी, ये जो 5 भरकर लाते अपने कंधे पर टांग कर लाते तो भाई मचा देते, कभी जहर कर देते चारों तरफ, सुपर मिनियन से डर के रहना पड़ेगा। यहाँ पर सुपर वेलकरी की बात करते हैं, तो सुपर वेलकरी भाई सब कुछ कोर्स वगैरह तो सेम ही रहने वाला, कुछ चेंजेस इतना ज्यादा नहीं होगा यहाँ। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके टिप कार्ड की, तो डैमेज पर सेकंड 325, 8.2500, 625 जो भी है टिपिकल। एंड देन इट इज द नॉर्मल ट्रूप्स एचपी एंड वो सब कुछ यहां पर दिखा रहे हैं हम आपको, डैमेज पर सेकंड 42, 8.250, ट्रेनिंग पर 400 एलिक्सर, ट्रेनिंग टाइम वही जो होता है obviously 6 seconds, and यहां पर same damage per second, hit point, training cost, housing space, everything, जो जो new troop आए, उनका मैं दिखा रहा हूं यहां पर, wall breaker, अगर wall breaker देखोगे तो ये है यहां पर, काफी favorite target तो walls ही है, of course, and then it is the healer, I love that, troop heal 72, hero heal 62, hit point 1700, I love healer, what about you, आपको क्या लगता है healers के बारे में, and here अपना cute सा baby dragon, जीवन बाहर निकाल के जीवन छिड़ाते हुए एंड दिखाते हुए हम न्यू लेवल पे जा रहे हैं, नाचो। लेवल 10 मिनियन ओवर हियर, यू कैन सी द स्टेट्स ऑफ लेवल 10 मिनियन ओवर हियर, एंड ये भी ठीक है यार, तो यूज करेंगे तब और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं, अभी तो मैं देखकर बता रहा हूँ। तो देखते हैं लेवल 9 की वेलकरीज भी आ गई है, सो एरिया स्प्लैश है, ग्राउंड 8, हाउसिंग स्पेस, मूवमेंट स्पीड 24, वो सब कुछ सेम है, तो आइस गोलम अब थोड़ा और ज्यादा देर तक आइस कर पाएगा, सेम हाउसिंग, मूवमेंट स्पीड, फ्रीजिंग टाइम, ट्रेनिंग टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो, फ्रीजिंग टाइम होने वाला 7.55, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये अपना आइस गोलम था, चलिए बात करते हैं अपने प्यारे प्यारे टाउन हॉल की तरफ देखकर, एंड टाउन हॉल लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टाउन हॉल का फोटो। एंड भाई आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है अपना प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टाउन हॉल 14, वो ज्यादा नहीं बोल गया मैंने, लॉल, तो ये वन स्टार है, वन स्टार की आप देख सकते हो स्टोरेज वगैरह यहाँ पर आपके सामने, हिट पॉइंट 8900, इट्स क्वाइट अमेजिंग, दिस इज हार्ट ऑफ योर विलेज, वहां लिख रखा था हार्ट, एंड द गीगा इन्फर्नो ही रहने वाला है इसमें, गीगा इन्फर्नो लेवल 1 का यहाँ पर आप देख सकते हो, डैमेज पर सेकंड 300, डैमेज व्हेन डिस्ट्रॉयड 1000 है, डैमेज पर सेकंड पर सब कुछ लिखा हुआ है। एंड चलिए अभी और आगे, भाई वॉल्स कैसे लगी यार आपको, वॉल्स मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीनिश ग्रीनिश भाई, कहते हैं अब जो बॉम्ब के न्यू लेवल आए, ये एयर माइन है, एक एक न्यू अनलॉक हो गया आपके लिए टाउन हॉल 14 पे, एंड एक ट्रैप और एक बॉम्ब, तो ये जो 4-5 चीजें, एक जाइंट बॉम्ब, तो ये सब आपके अनलॉक होने वाली है टाउन हॉल 14 पे, एक 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 पीस आपको मिलने वाले है, ठीक है। एंड यहां पर वॉल लेवल 15 की हो चुकी है, एंड इस तरह का लुक होने वाला है, हिट पॉइंट होने वाले 12,500, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एंड वॉल को डीपली दिखाऊं तो मैं, देयर इट इज, वॉल्स भाई ठंडी ठंडी लग रही है, नहीं
और इसका लुक यार आपको कैसा लगा? ये टाउन हॉल 14, टाउन हॉल 13 की बॉल है, टाउन हॉल 15 की बॉल है। अपग्रेड कॉस्ट आपको पता ही चल गया 70 रहने वाला है, 7 मिलियन। तो ये सब कुछ रहा एंड चलिए अब टाउन हॉल की तरफ चलेंगे। टाउन हॉल अपग्रेड करेंगे एंड अपग्रेड कॉस्ट देख सकते हो आप, अपग्रेड वेपन 15 मिलियन यहाँ पर गोल्ड लगने वाला है। ऑफकोर्स यहाँ पर डैमेज पर सेकंड कितना पड़ेगा देख सकते हो, 20 से इंक्रीज हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी 5 सेकंड इंक्रीज, अटैक रेट इंक्रीज हो जाएगी 5% से, तो 50, 50 एंड 180 हो जाएगा। 14 डेज का टाइम लगने वाला है, तो ये अभी लेवल 4 का है एंड आप देख सकते हो अभी ये लेवल 5 पे जा रहा है। तो ये भी यार सही है, वार्चर को देखा ऐसे 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 तालियां बजा रही है। 13 days, 23 hours, quite a long time. But gem से तो क्या डरने की बात, let's use it and do a max out. And चलिए अब एक दो में आपको अटैक वाली बात हुई थी, तो यहाँ पर डोनेशन में आप देख सकते हो अब जो भी होगा यहाँ पर gems की capability से डोनेट किया जा रहा है, देख सकते हो gem, 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 चारों तरफ gem. And villager ने चैलेंज भी कर रखा है यहाँ पर। अब स्पेल्स में देखोगे तो 20 gems से स्पेल डोनेट होगी। अब एक फ्रीज कर सकता हूं मैं डोनेट पर, वो कोई और क्लैनमेट कर पाएगा, लाइक 2 की स्पेल आप डोनेट कर सकते हो, आप 3 की कर सकते ही नहीं हो। तो यहाँ पे ड्रैगन है, चलिए अटैक करते हैं न्यू हीरोज लेवल के साथ में। ये अपना जो इन्फर्नो है मल्टी जो बीम निकालने वाला है अपने अंदर से, तो वो आप देख सकते हो क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड हिटिंग द टाउन हॉल ओवर हियर यू कैन सी। एंड भाई क्या ही डैमेज, अब टाउन हॉल का डैमेज भी देख लेते हैं मैक्स आउट। ये लेवल 1 वाला टाउन हॉल है, इट्स नॉट अ लेवल 5 1। बट गाइस देख सकते हो यहाँ पर ड्रैगन की हेल्थ कितनी जल्दी डाउन हो रही है, सब ऑलमोस्ट हाफ एचपी हो गए एंड यहाँ ये डाउन हुआ एंड पॉइजन आल्सो होगा। जब अपना टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर पॉइजन भी होने वाला है एंड ट्रूप को और भी डैमेज मिलने वाला है। मतलब स्लो डाउन तो होता ही, तब तो पॉइजन और हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है यार। आई लिटरली लाइक इट एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दैट कमेंट करना, बताना मुझे, मेरे को तो सही लग रहा है। अब जब अपने गेम के अंदर अपडेट आ जाएगा ना तब और मजा आएगा। अपडेट कब आएगा, आपको क्या लगता है अपडेट का डेट क्या होने वाला है, कमेंट करना किस डेट का अपना टाउन हॉल 14 अपने हाथ में होगा और अपन भी यूज कर रहे होंगे टाउन हॉल 14 को। सो इट इज इंटरेस्टिंग। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गई, एक साथ मैंने दो दो वीडियो बनाई है, तो मैं भी थक चुका हूँ इतने देर से रेगुलरली बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। क्वाइट हार्ड डे फॉर मी एंड भाई रेगुलर वर्क करने के बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते तो बुरा लगता है, तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लेना क्योंकि आगे भी और भी स्निक पिक आएंगे, उनके भी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो हिट द लाइक, हिट द शेयर, हिट द सब्सक्राइब। गेम प्ले भी दिखा दिया आपको टाउन हॉल 14 का, क्या न्यू आने वाला है, क्या न्यू डिफेंसेस आने वाले, वो सब। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, क्लैश, आई लव यू ऑल।